क्योंकि हमारी तैयारी हो गई फिर से ट्रिप में जाने की। और तो इतने बड़े हो गए भाई, सब में फूल लगे हैं, मस्त वाले वहाँ की चढ़ो लत पत हो रखा है, बल पता नहीं किसका है उसका। बाय 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 बाय। मुझे ना थोड़ा देर तक पकाना पड़ेगा, मतलब जब गाड़ी की डिक्की वैसी पैक हो चुकी है जैसे छोड़ दे। इसको बैठने ज्यादा चलाने में मजा आता है यार, देख यार। हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल मैं भूमि व्लॉग्स। तो गाइस, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन से और लंच वंच हो चुका है हमारा, और पीछे देख सकते हो गाड़ियां धुल दी हमारी, क्योंकि हमारी तैयारी हो गई फिर से ट्रिप में जाने की। और इस बार का ट्रिप है हमारा मायका। भूमि भाभी लोग सब जा रहे हैं मायके, क्योंकि ना बहुत दिनों से मायके नहीं गए हैं। मम्मी ने कहा कि तुम जाके आओ, वहाँ की चढ़ो लत पत हो रखा है, बल पता नहीं किसका है उनका। दोस्तों, भाभी भूमि सारे बच्चे मतलब अपने अपने मायके जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने कहा कि बहुत दिनों से बाइक वालों से भी नहीं मिले हो, उनको भी याद आ रही होगी तुम्हारी, तो मम्मी ने कहा कि तुम जाके आओ। तो वो लोग जा रहे हैं अभी। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तुम मायके बहुत जाते हो भाई, घर वाले भेज देते हैं मम्मी लोग, जाके सर का प्रसाद देना घर वालों को नहीं। तो हमारी मम्मी खुद ही भेज देती है, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी रीजन से जाते हैं वो लोग खुद से नहीं बोलते कि हमको मायके भेजो, मम्मी लोग खुद ही बोल देते हैं। ऐसी बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कितना मायके जाते हो भाई तुम लोग, क्या कर सकते हैं भाई, भेजना ही पड़ता है, दोनों घर बराबर ही है ना। ये नहीं कि शादी करके ससुराल आ गए तो बस ससुराल में ही रहना है, बांध के रखना है हमने उनको, नहीं यार, फ्रीडम है उनकी भी, खुद की लाइफ है थोड़ा बहुत, उनके भी मम्मी पापा हैं, जैसे मेरे मम्मी पापा है ना, तो उनको भी हक है पूरा मिलने का उनसे। इस बार तो हमारे घर के सामने बहुत हो रखे हैं भाई, तो इतने बड़े हो गए भाई, सब में फूल लगे हैं, मस्त वाले। तो कपड़े निकालते यहाँ से क्या तुम्हारी साड़ियाँ वगैरह, किसमें इसमें रहने दो, इसी में रहने दो फिर उसको। हाँ तो गाइस, परसों ना ये कपड़े गाड़ी में ही थे ना, इनको यूज ही नहीं किया हमने, क्योंकि ये सारे गर्म कपड़े हैं। वो कहाँ रखा परसादी? ये हाथ में। गाइस ये ना हमको जागरूक से मिला था, और इसमें ना सभी चीज है, माता लक्ष्मी की मूर्ति है, यंत्र है महालक्ष्मी का, कछुआ छाप है, शंख है, और माता लक्ष्मी के पादुका है, एक डॉलर भी है, और श्री लक्ष्मी चालीसा है, महालक्ष्मी चालीसा की पुस्तक भी है इसमें। ये इस बार दिवाली में काम आएगी अब हमारे। गाइस देखिए, फिर से बैग पैक होने लग गया है। चलिए दोस्तों, फिर से हमारा बैग पैक होकर जाने लग गया गाड़ी में, एक बैग आ गया, एक बैग और आना है भाभी का इसमें। ये देखो, महक भी रेडी हो चुकी है, गाड़ी की डिक्की वैसी पैक हो चुकी है जैसे परसों ट्रिप में गए थे, सेम ही लग रहा है ना। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि दोनों गाड़ी को ले आ रहे हो, आज हम एक ही गाड़ी में जा रहे हैं ना। तो दोस्तों, नमन को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की मैंने, लेकिन नमन उठ नहीं रहा है, तो मम्मी बोलती है ऐसी ले जा, और हम ना आगे से वेट कर रहे थे कि ये उठेगा फिर हम जाएंगे, ये उठेगा फिर हम जाएंगे, लेकिन उठा ही नहीं। ऐसी प्यार कर दो लो नमन। जैसे हम लोग जा रहे थे ना, तो गोल्डी आ गया है, और गोल्डी को मेरे हस्बैंड जी भगाने के लिए गए, मतलब घर लेने के लिए गए हैं। गोल्डी आ चले गया। गोल्डी, नमन आप यहीं भी उकरे हो दादी के साथ? चलो फिर मम्मी प्रणाम, बाय बाय बाय, दादी को बाय बोलो, बाय बाय करो, बाय 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 बाय। नमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा फिजर ट्रेवल। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब, और ये ना फीलिंग लग रही है कि जैसे कि हम ट्रिप में जा रहे थे, मुझे लग रहा है, बट लेकिन अभी हम मायके वायके जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने खुद, तुम लोग जा रहे हो ना मायके वायके, तुम नहीं आ रहे इस बार, नहीं आ रहे हम। तो कैसे बाजार से सामान भी ले लिया है अपने ससुराल के लिए, इसने लिया होगा अपने हिसाब से, और आज ना मैंने एक सिम भी खरीदी है, ये सिम है प्रसन्न भूमि की, ये ले। चले दोस्तों, मेरा मायका तो आ गया है, अब मैं चलती अपने मायके को। हाँ फिर से चलेंगे। कहाँ को आज, कहाँ को बहनी, कहाँ को निकाल आ रही हो, जीते रहो जीते रहो। पहले सामान तो निकालो मेरा, पहले सामान निकाल देंगे हम। प्रणाम, जीते रहो जीते रहो। आप पहली बार, पहली बार मत बोलो। हाँ यार ऐसा मत बोलो। आओ ना लागू दिए, ये स्टॉल के लगाइए, अब कल चौथ के दिन आएंगे। तो दोस्तों, मेरा सामान तो चले गया है, और वो है अंकित की अम्मा, अभी थोड़ी देर बाद मिलाऊंगी आप लोग को।
दूसरे व्लॉग में मिलाऊंगी, इस व्लॉग में नहीं जो इससे बनेगा। चलो फिर भूमि बाय बाय, ध्यान से रखना, ध्यान रखना। चलिए जी, भूमि लोग तो चले गए हैं अपने मायके और अब हम चलते हैं भाभी के मायके, भाभी को भी छोड़ के आते हैं फटाफट से क्योंकि टाइम हो गया है 2। अभी तो फिलहाल बहुत तेज धूप लग रही है कपकोट में। भाभी अब सॉन्ग जा रहे हैं, अब यहीं चंदा के रूम पर रह रहे हैं क्योंकि ना भाभी की मम्मी भी यहीं है चंदा के रूम पे, उनकी थोड़ा सा तबियत खराब हो रखी है तो लोग यहीं रह रहे हैं। चलिए फिर भाभी बाय बाय, आपका मायका कपकोट हो गया। बाय 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 बाय। चलो इस बार दोनों बच्चे ना कपकोट ही रह रहे हैं। सो गाइस अब हम निकलने लगे घर की ओर, तो बच्चों को ढंग से हमने पहुंचा दिया अपने अपने मायके। तो दोस्तों घर पहुंच चुके हैं और यहाँ का मौसम देख के लग रहा है कि बारिश होगी, बट लेकिन कल भी ऐसी हुआ था मौसम, थोड़ा बहुत हल्की बहुत बारिश हो रही है, उसके बाद नहीं हो रही बारिश। और हम लाए थे सब्जी, प्याज टमाटर खत्म हुआ था भाई घर पे। गाइस सब मैं करता हूं मम्मी की हेल्प सब्जी बनाने में, तो सब्जी काटते हैं फटाफट से। आज बन रही है आलू और न्यूट्रेला की सब्जी। दोस्तों प्याज टमाटर मिर्ची और लहसुन मैंने छिलके और काट के रख दिए हैं और साथ में आलू के पीस भी कर दिए हैं भाई, आज लंबे पीस कर रखे क्योंकि आज सिर्फ आलू की सब्जी बनने वाली है। इसके बाद आटा उलना है मुझे और रायता ही बनाना है साथ में, तो कढ़ाई रख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे। तो गैस आज की सब्जी बनने वाली है घी में, और आज घर में ना बहुत ज्यादा सुनसान लग रही है भाई, बच्चों के बिना बहुत ज्यादा लग रहा है, अजीब टाइप का लग रहा है मतलब। चलिए दोस्तों फटाफट से सब्जी वगैरह बना लेता हूँ, इसके बाद मैं करूंगा एडिटिंग। सबसे पहले डालूंगा जीरा, इसके बाद डालूंगा मैं ये इसमें हींग, अब मैं डाल दूंगा इसमें दोस्तों प्याज, प्याज को अच्छे से भून लेंगे एक बार। मुझे ना थोड़ा देर तक पकाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा देर तक भूनना पड़ेगा क्योंकि घी में ना प्याज वगैरह कम भुने जाते हैं तो ना थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो आराम से भूनता हूँ एक बार, तेल होता है जल्दी भुन जाते हैं प्याज वगैरह, अभी ना टाइम लग रहा है घी में। दोस्तों मैंने मसाले वगैरह सब ऐड कर दिया है, हल्की सी ग्रेवी टाइप की बना दी है मैंने, थोड़ा इसको पकने देता हूँ। दोस्तों अब करता हूँ मैं इसमें आलू ऐड, अब इसमें ना आलू वगैरह सब पकने दूंगा फिर हमारी आलू वाली सब्जी बन जाएगी। अब मैं लगा दूंगा इसके ऊपर ढक्कन, बस गैस आपने इसको पकने देते हैं, तब तक मैं आटा गोल लेता हूँ फटाफट से। चलिए जी मैंने आटा उल दिया है और सब्जी बनी रही है, मेरा काम तो फिनिश हो गया भाई। अब है रोटी बनाना, रोटी शायद मम्मी या भाई बनाएगा और मेरा काम तो फिनिश हो गया भाई, सब्जी लगाना आटा उलना सब हो चुका है।